शिव टाइम के सारे दर्शकें मेरा राम राम। मैं डिंपल वर्मा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, ब्लाक खून, तहसील मझालता, पंचायत मोटू, वार्ड नंबर 3 बिच इस वेले मैं खड़ोता। और मेरी खड़ोने की वजह पता की है, ये पिछे मातृ शक्ति, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर कम्युनिटी के लोग जेके इत्थे ना 87 लोग जेके कट्ठे होते। और जे कट्ठे होने की वजह पता की है, इन्हें लोगों की परेशानी की आवा दी है। क्या परेशानी आवा दी है, मैं वीडियो माध्यम कन्नै तुसें जरूर दसना। मां जी, क्या नाम थोड़ा भला? मेरा नाम सुगंधला। अच्छा, भला केह गल है, भला अज्ज सारे लोग किट्ठे होते? भला इत्थे इत्थे लोग किट्ठे होते, असें अज्ज धोड़ी बच्चा थोड़ा बड़ा शुगर, थोड़ा बड़ा शुगर मनानी है। जे तुस लब्भे मिकी इत्थे कोई बंदा नहीं, असें लब्भा, असें सारियां गल्लें दी परेशानियां, इत्थे कोई किश कम नहीं होया साढ़े इलाके च, असें गड्डियां नहीं थ्होइयां, सड़कां नहीं थ्होइयां, कोई किश नहीं थ्होआ। एह् तुस आपूं दिक्खी सकदे, इतनी दुनिया 50 साल होए मेरे ब्याह होते, अ'ऊं तां बी पालकियां पाई आंदी ही, ते अज्ज बी पालकियां पाई। कोई बमार होई गेआ 20 किलोमीटर असें डाक्टर जाना पौंदा, ते इत्थे कोई परेशानी है। अस्पताल है इत्थे लागी? भला अस्पताल असें दूर है, असें गुड़ा कला ओह् ते थल्लै जाई बलौर। किन्ना टाइम लगदा इत्थों बलौर जाने? भला 4 घंटे लगी जंदे। 4 घंटे पैदल? पैदल 4 घंटे लगते। पैदल 4 घंटे लगते। अच्छा। ते दरिया खड्डा नाल भरोए होंगे, असें रस्ता कोई नहीं है। जिस वेला कोई जनानी कोई भी जा कुड़ी या मातृ शक्ति कोई बीमार हो जाती है, ते फिर कियां तो अस्पताल लेने उसी पालकी का भाई निन्ने जगिए, कुसे दे भावा प्राण बत्ता ही निकली जान, असें कोई साधन नहीं है रस्ता दा। अम्मा थोड़ी उम्र तुसें दस्या जियां कि 50 साल हो गया मेरा ब्याह होता है, 50 सालों में कोई MLA आया इत्थे थोड़ा? कोई लोगों का कोई MLA नहीं असें लब्भा, कोई कोई नहीं लब्भा। असें छड़े वोट लेने आंदे, ते वोट अस जिन्नी बारी होंदे उन्नी बारी दिन्ने, ते लब्भेआ कोई नहीं। थोड़ा क्या सारे लोगों की परेशानी है कि वो रस्ते दी है? भला रस्ते दी सारे रस्ते दी परेशानी है, असें रस्ता इत्थे कोई नहीं है, असें कोई बंदा नहीं असें अज्ज धोड़ी। अच्छा अमन, मिकी गल होर सनायो, अस इ'यां शहरें बिच दिक्खने, अस जम्मू दिक्खने, दिल्ली दिक्खने, कि उत्थे लोकें गी पानियें दी समस्या भी होंदी है। असें पानियें दी समस्या भी नहीं है, असें पानियें दा साधन भी नहीं, असें दो जबेला बरखा पानी होंदा, असें बरसांत आंदी ते असें पानी 4 दिन अस त्रै दिन रहने, असें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, अज्ज धोड़ी असें पानी लभ्या ही ना। चलो ठीक है, मैं थोड़ी गल जरूर अस डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर पहुँचाने, थोड़ी गल मत कोई ना कोई सुनवाई जरूर। ये ना परिवार देखो, बच्चे निके निके कोई बीमार हो जाता, असें कोई स्हूलत नहीं है किसी की, स्कूल नहीं, हस्पताल इत्थे कोई हस्पताल नहीं, कोई किश नहीं, कोई पानी नहीं, कोई गड्डिये दी साधन नहीं, सड़क कोई नहीं, जा खड्डा भरी दी होंदियां, असें बड़ी मुसीबत है। वोट लेने आंदे इत्थे कोई नहीं लब्भा अज्ज धोड़ी। जिसलै वोट लेने होने तां तू मेरी अम्मा, तू मेरी मासी, तू मेरी बुग्गा, फ्ही ओह् लीडर के ओह् बड़े बड़े गलांदे होने, पैंतरे अजमांदे होने, बड़े किश गलांदे, फ्ही बच्चा गिल बच्चा गलांदे, बच्चा दा सुधोलू है गिल बच्चा गलांदे, बब्बा दा सुधोलू है ते उसी चाचा करी बोलदे, ओह् फ्ही कोई परतीरी मूंह भी नहीं दसदा। असें मेरे कन्नै होर बी इस बेल्लै छोटी जी गुड़िया मौजूद है, गुड़िया केह् नाम थोड़ा? थोड़ा थोड़ा जोर है बोलो। अज्ज इत्थे लोग किट्ठे होते भला केह् वजह? भला तुस भी आ गए? साडे मारे रोड दी प्रॉब्लम है। अच्छा, रोड दी परेशानी है? मैं मेरा नाम रीमू देवी है। ठीक, कोई अच्छा रस्ते दी परेशानी है? भला हां जी। अच्छा, इत्थे स्कूल है लागे? भला नहीं सर, मोटू में। मोटू का स्कूल है? अच्छा, मोटू में आपका स्कूल है? हां, तो स्कूल है सर, हम स्कूल में पढ़ना चाहती थी, बराग यहाँ पर स्कूल नहीं है तो बहुत दूर है ना, 4 घंटे लग जाते हैं पैदल में। तो अगर अगर मुझे एक बात बताना, क्या अभी ही जो छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल में जाते होंगे, अगर सुबह 8 बजे अगर स्कूल लगता होगा, तो आप घर से कितने बजे निकलते हो? 6 बजे। अच्छा, 6 बजे घर से निकलते हो, फिर जाके स्कूल में पहुँचते? 9 बजे पहुँचते हैं, हमें 2-3 घंटे लग जाते ना पैदल चलने में, तो हमें बारिश में मौसम में कैसे चल रहे, इसलिए हम रास्ते की डिमांड करते हैं। रास्ते की डिमांड करते हैं, यहाँ में सर रोड दीजिए। अच्छा, रोड चाहिए आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात जरूर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर पहुँचाएंगे हम। ठीक है, ये मेरे कन्ने मौजूद है मातृ शक्ति, और वो भी साढ़े कन्ने इस वेल्लै लोग जेके तुस मेरे वीडियो के माध्यम कन्नै दिक्खे ने, काफ़ी ज्यादा जेकी वो जनता जेकी ना इस वेल्लै बैठी दी है, दुखी जनता, और दुखी होइयै अज्ज ग्राउंड बिच बैठे दे ना, लेकिन आने आह्ले टाइम उप्पर इन्हें लोकें जेह्का ना रोड उप्पर बैठना अग्गें अग्गें इंदियां जेह्कियां मंगां पूरियां होनियां, और इंदी मंग ही है
इनकी मांग इको मांग है रविंदर राणा जी एल जी साहब जी अखा खोलो बड़ा टाइम हो गया साढ़े देश की आजाद हो गया बड़ा टाइम हो गया इन्हें लोगों वोट पाते हैं लेकिन अज तक लोकें जेका रोड नहीं है रस्ता नहीं है चलने बिजली नहीं है इन्हें बच्चें जेकी छोटे छोटे बच्चे तुम दिखी आने इन्हें बच्चें बेहतर शिक्षा हासिल करने इन्हें लोकें स्कूल नहीं आने 370-35 टुटना हा बाद साढ़े जम्मू कश्मीर के बच्चों का कंपीटिशन पूरे हिंदुस्तान के बच्चे का कंपीटिशन करना ही केरला बिच तुस दिखो हर घर के बिच ग्रेजुएशन लभी लेकिन इन्हें लोगों अगर ग्रेजुएशन की इन्हें लोगों एक नौकरी की सुविधा ही 370-35 टुटना हा पल्ले लेकिन उड़ा बाद इन्हें लोगों अगर अज की डेट के अगर रोड नहीं होग पानी नहीं होग बिजली नहीं होग तो इन्हें लोगों मजबूर हो गया अज ग्राउंड बिच बैठे दे लेकिन इन्हें मजबूर हो गया रविंदर राणा जी इन्हें रोड उपर बैठना एल जी साहब जी अखा खोलो जम्मू सिटी की तुम दिखो क्योंकि जम्मू सिटी के बिच कम से कम थोड़ी जी आबादी है सब तो ज्यादा आबादी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कठुआ बिच जेह्के प्हाड़ी इलाके ना इन्हें इलाकों में बड़ी ज्यादा आबादी है और लोगों अज तक रोड नहीं और पानी नहीं और बिजली नहीं है और ये छोटे छोटे बच्चे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का भविष्य इन्हें बच्चे अज तक लाडली बेटी की स्कीम की सुविधा नहीं है क्या डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के बीजेपी के जिन्हें भी नुमाइंदे जितते हैं क्या एक भी नुमाइंदा है साढ़े एल जी साहब अगर गल नहीं की होग क्या इनकी सुनवाई नहीं है क्या अगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जिन्हें भी बीजेपी के नुमाइंदे जितते अगर साढ़े देश के माने प्रधानमंत्री जी अगे रिक्वेस्ट करते ना कि लाडली बेटी की स्कीम इन्हें बच्चियों की सुविधा जी मिलना चाहिए तो इन्हें साढ़े देश के माने प्रधानमंत्री जी जरूर इन सुविधा देंगे जां फिर इन्हें पोलिटिकल लीडर की सुनवाई नहीं की जां फिर गल नहीं पजाई तो जनता को रिक्वेस्ट अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे दें तो मैं वीडियो माध्यम कन्नै अगर कुसै भी पोलिटिकल लीडर की या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर की अगर आपत्ति है तो अपना वर्जन जम्मू का बैठी जा नहीं जां उधमपुर का बैठी जा नहीं बल्कि पंचायत मोटू है वार्ड नंबर 3 बिच इन्हें लोगों में आइए अपना वर्जन जरूर देना और इन्हें लोगों का दुख इन्हें लोगों की तकलीफ जी जरूर सुननी और इन्हें लोगों का यह कहना कि रविंदर राणा जी तोड़ा जेका जहाज श्रीनगर उतरी सकता कश्मीर उतरी सकता जम्मू उतरी सकता तो इस जगह बिच ग्राउंडा बिच भी जहाज इंदा उतरी सकता अगर तुसें जम्मू कश्मीर का सीएम बनना तो क्योंकि इतने हर कम्युनिटी के लोग बैठे हैं 100 लोग इकट्ठा होग तो 100 लोगों की रिश्तेदारियां भी होनी कुसै ना कुसै डिस्ट्रिक्ट के बिच रिश्तेदारी होनी है और इस बारी तुसें 25-26 MLA बीजेपी ने जीती है लेकिन इस बारी जम्मू कश्मीर के बिच कांटे की टक्कर है ये रविंदर राणा जी होर भी पता लेकिन जम्मू कश्मीर का अगर तुसें चीफ मिनिस्टर बनना तो कम से कम इन्हें लोगों इग्नोर नहीं करना इन्हें लोगों बिच जरूर आन टाइम कड़िए ता कि इन्हें लोगों की भी जरूर समस्या तुस सुन ता कि इन्हें लोगों की जेकी पूरी उम्मीद होगा कि जिन्हें लोगों असें वोट पाए वो भी कैंडीडेट साढ़े उम्मीदों पर खड़ा उतरा और मेरे कन्ने इस वेले होर भी लोग मौजूद न अच्छा साइड होने की थोड़ी सारे गलाना असं इ चलने कि जो शोर की गल ही है वोट की समस्या जी सी समस्या एक दूर करना और सुनने साढ़े मांग डिमांड है बड़े चिरे की डिमांड है वार पार का उजदा वार पार का गौरमेंट के खाते च भी है मैं पहले थोड़ी ये आखना गल कि गौरमेंट के खाते च भी है ना और इसी जगह दिखा जा कि क्या इस रस्ते किन्नी दुनिया जी है बेचारे रस्ते कोई भुख लगी जाता कोई फर्क है वो बेचारा राती की मरी पिटी जाए कोई कखल नहीं इस वे समस्या इस जगह रस्ता ही ऐसा ना इस रस्ते बिच बिच नाले बड़े पौधे न या सप्पड़ियां बड़िया न और इन्नी बुढ़िया सप्पड़ियां खतरनाक कई बंदे बेचारे साढ़े गिरी गए न या कुसै लग्या ठेडा लग्या ये वो वो असें इयै रिक्वेस्ट करने दविंदर रैणा दा अग्गें भी और जेड़े साढ़े DC बैठे दे न डिस्ट्रिक्ट ओ भी साढ़े DC की इन्नी बड़ी पावर है कि वो करी सकदे न साढ़ा हल जे एक साढ़े प्रधानमंत्री अग्गें भी दविंदर रैणा और मैं उंदे अग्गें रिक्वेस्ट करना कि वह भी उंदे शा इक रोड की साढ़े की सैंक्शन किया जा किस साढ़ा रोड जेहड़ा रस्ता एक लड़के का वह किसी वजह कन्नै लड़का क्यों लड़काया उसी एक कुने लोकें दी लोकें दी असीं नहीं पता बे लोकें लड़काया जां गौरमेंट ने रोका वह बनी सकता अगर बड़े रोड और बाकी बनी वह नहीं बनी सकता कि साढ़े आस्तै इक बड़ी परेशानी है साढ़े बच्चे खज्जल होई गे पढ़ाइयें आस्तै साढ़े बंदे की परेशानियां कोई मरी गया बेचारे कोई कियां अस मुलाजमें गी कियां गाइड करचै कियां अस उनेंगी गाइड करचै केह् करी सकने उन्हें अस कियां डांटी सकदे किन्नियां शिकायतां करनियां रिस्की कम्म अस हर रोज शिकायत करदा भी बुरा लगदा ये सारे हां बड़ी गल है रोड अगर रोड साढ़ा बनिया तो साढ़े कम्म सारे जेड़े वो हल होइए
साढ़े जेड़े मतलब हर बंदा मुलाजम इसे रस्ते जाता कि बसंतगढ़ की या रामनगर की एक मतलब वो मतलब बैरियां तक या कि 5-6 किलोमीटर रस्ता होना ज्यादा भी अगर गौरमेंट की अपनी अफसोस की गल है कि मतलब कई किलोमीटर जो रोड बनाई ओड़े 5-6 किलोमीटर रोड नहीं बनी सकिया अज तक अफसोस की गल लगती है असें कि साढ़े जीना भी कम हो साढ़े बच्चे खज्जल होइए अस कुतै हुंदा भी स्कूल तो अस कि'यां पढ़ाइए बड़ी बुरी शुक्रिया जी शुक्रिया ये तुस दिक्खी जाने लोकें दा जेह्का दुख लोकें दी जेह्की तकलीफ है ना ये तुस जरूर दिक्खी जाने वीडियो दे माध्यम कन्नै और हर लोकें अग्गें भी रिक्वेस्ट है कि अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे देनी और खास करके जेके PMO कार्यालय में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मैं उंदे अग्गें रिक्वेस्ट करना इन्हें लोगों का यह कहना कि तुस इस बारी एक बारी आए इत्थे वोट मंगने और नुहाड़े बाद तुसें इक्कै गल बोली कि कठुआ दा ते अपना बसंतगढ़ आह्ली साइड असें इक टंडल बना के तां कि लोकें गी कि ओह ट्रेन मिली जाह्ग इन्हें लोगों का यह कहना पता नहीं केह वादे कीते तुसें सर मैं थोड़े अग्गें भी रिक्वेस्ट करना कि जरूर एक बारी इन्हें लोकें दियां समस्यां सुनने तुस जरूर आन क्योंकि बड़ा टाइम हो गया साढ़े लोकें जेह्का वोट पांदा ऐ और इन लोकें दी दुख तकलीफ दिक्खियै भी अस जेके और खास करके मैं अपने मीडिया आह्ले चैनल अग्गें भी रिक्वेस्ट करना खास करके जम्मू कश्मीर का जिन्ना भी मीडिया है और साढ़ा नैशनल जिन्ना भी मीडिया मैं उंदे अग्गें रिक्वेस्ट करना कि तुस भी जियां डिंपल वर्मा इत्थै कवरेज करने आया ना तो तुस भी जेके जम्मू दा बैठिए खबर लाई ओड़ने ना जां कमरे बिच बैठिए इक खबर लाई ओड़ने ना तो जीरो ग्राउंड उप्पर एग्जैक्ट पॉइंट उप्पर जम्मू कश्मीर दे विच जीरो ग्राउंड उप्पर प्हाड़ी इलाके में केह होआ दा एक बारी तुस प्हाड़ी इलाके में आइए तुस इन्हें लोकें दियां समस्यां दिक्खी लियो इन्हें लोकें दियां समस्यां सुन लियो आखिरकार लोकें गी जेह्का भरोसा इस बेल्लै मीडिया उप्पर भी है ते जे मीडिया गै अगर स्टेट दा मीडिया अगर इन्हें लोकें दियां समस्यां सुनने जाए ते कम से कम इन्हें लोकें बी जेह्का मीडिया उप्पर जेह्का बड़ा बड़ा भरोसा होना डिंपल वर्मा अज्ज फिर दूई बारी या त्री बारी ते कवरेज करने आया और अग्गें भी आना असें इन्हें लोकें दियां मसले हाईलाइट करने क्योंकि साढ़ा दायित्व बनता साढ़ा फर्ज बनता साढ़ा धर्म बनता है लेकिन थोड़ा भी कोई दायित्व बनता नहीं बड़े बड़े पत्रकार भी हैं साढ़े जम्मू कश्मीर के बिच हालांकि मैं उंदा नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बड़े बड़े पत्रकार साढ़े नैशनल लैवल भी हैं लेकिन इन्हें लोगों से कोई भी पत्रकार अग्गे नहीं आवा दे ना कोई लीडर अग्गे आवा दा ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर आवा दा क्योंकि ये लोग पाकिस्तान च रवा देंगे जां ये लोग कोई चाइना के लोग न ये भी एक हिंदुस्तान के नागरिक न जम्मू कश्मीर के नागरिक ने आधार कार्ड भी इंदा जम्मू कश्मीर का बनता फिर इन्हें लोगों की अगर अज तक रोड नहीं हो बिजली नहीं हो पानी हो तो फिर इन्हें लोगों का वोट पाना बेनीफिट की है जनता का रिक्वेस्ट है कि अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद।